हेलो फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में ज़्यादातर लोगों को ड्राई स्किन की बहुत परेशानी रहती है, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया घर पर बना हुआ मॉइस्चराइज़र। इसे आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं और इसके लिए हमने सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हमें चाहिए गुलाब जल, जो हमारी त्वचा को तरोताज़ा रखता है और उसे लंबे समय तक जवां और खूबसूरत बनाए रखता है। इसके साथ हमें चाहिए ग्लिसरीन, जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, उसके पीएच बैलेंस को बनाए रखता है और साथ ही उसे हेल्दी और चमकदार भी बनाता है। साथ ही हमें चाहिए नींबू, जो बहुत ही बढ़िया एस्ट्रिंजेंट का काम करता है। ये एक बाउल और उसमें मिलाएंगे 3 बड़े चम्मच ग्लिसरीन। हमने इसमें नींबू का इस्तेमाल किया है बराबर मात्रा में ही। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप नींबू कम डालें। इसमें मिलाएंगे 3 बड़े चम्मच गुलाब जल और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ऑयली स्किन वालों को नींबू बहुत ही फायदा देगा। अब हम एक स्प्रे बॉटल लेंगे और उसमें इस मिक्सचर को डाल लेंगे। मिश्रण को स्प्रे बॉटल में भरकर उसे आप फ्रिज में 3 से 4 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपको लगे आपकी स्किन ड्राई हो रही है या आप अपने फेस में एक नई ताजगी और चमक देखना चाहते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस मिक्सचर का इस्तेमाल मेकअप सेटिंग स्प्रे की तरह भी कर सकते हैं। अगर आप इसे लगाने के बाद इस अपने फेस पर फाउंडेशन लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी केकी नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान है ये मॉइस्चराइज़र बनाना, वो भी बहुत ही सस्ते में। बाज़ार में मिलने वाले महंगे मॉइस्चराइज़र के मुकाबले इसमें कोई केमिकल भी नहीं है और ये बहुत ही सस्ते में आप घर पे बना सकते हैं। अगर आपको इन तीनों चीज़ों में से किसी से एलर्जी है तो प्लीज़ आप पहले डॉक्टर से सलाह लें या उसका छोटा सा टेस्ट करके अपनी स्किन पर देख लें। आपको ये मॉइस्चराइज़र कैसा लगा हमें ज़रूर बताएँ और आगे भी बढ़िया बढ़िया नुस्खे देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।